नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। आसमान से बरसती आग और तपती धूप, किस तरह करते हैं गरीब मजदूर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम, कैसे एक किसान तपती धूप में करता है खेत में काम। एक तरफ तो बेतहाशा गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, तो वहीं किसान अपने खेत में काम करता है और गरीब मजदूर ठेला लगाकर मजदूरी करता है। लोगों को कूलर पंखों में भी राहत नहीं मिल रही। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि गरीब मजदूर किस तरह अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हिना अहमद की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार न्यूज। हम मौजूद हैं बुलंदशहर की काली नदी के पुल पर। चलिए बात करते हैं आज गर्मी की। आवाजाही लगी हुई है, गर्मी का इतना बुरा हाल है, लेकिन फिर भी लोगों का आना जाना नहीं बंद है। चलिए बात करते हैं, यहाँ लोगों की आवाजाही लगी हुई है, चलते हुए लोगों से बात करते हैं कि किन किन परेशानियों का इनको सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा जल्दी, क्या नाम है आपका? जल्दी है मैम, थोड़ा जा रहा हूँ मैं। सर पता है, जल्दी जल्दी, हमें भी गर्मी लग रही है। प्लीज बताइए तो। प्लीज। गर्मी का दौरा करते करते हम आए हैं धमेड़ा गाँव में। चलिए, एक तरफ तो वैसे ही गर्मी ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है, दूसरी तरफ मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगी कि एक पेड़ के नीचे एक फल वाला आम बेच रहा है, किन किन परेशानियों का इसको सामना करना पड़ रहा है, मैं कैमरामैन से बोलूंगी दिखाएं इनको। चलिए चलिए बात करते हैं इनसे, किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या दिक्कतें इनके सामने आ रही हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है जी। जैसे गर्मी पड़ रही है और आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? घनी गर्मी हो रही है, आम पे भी पानी मारना पड़ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा, जैसे गर्मी का बुरा हाल है और आप यहाँ बैठे हैं, तो क्या बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, ऐसी खास नहीं हो रही है। नहीं हो रही, खास नहीं है। हमने इन भैया से मालूम करा, ये आम वाले भैया, इनसे हमने पूछा कि गर्मी को लेकर क्या हाल से लोग इतना जूझ रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी, एक छोटा बच्चा आइसक्रीम बेचता हुआ नजर आ रहा है। इतनी तेज गर्मी है, इतनी धूप है और इतना छोटा बच्चा आइसक्रीम बेचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इससे भी बात करते हैं कि किन किन परेशानियों का इनको भी सामना करना पड़ रहा है। आपका अरमान, देखिए इतनी तपती धूप में आप यहाँ पर आइसक्रीम बेचते हुए नजर आ रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मजबूरी है बेचने की। क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है? एक तो कर चल रहा है, घर में तुम यहाँ आइसक्रीम बेच रहे हो, ऐसी क्या मजबूरी है? घर में पैसे वैसे कुछ ना। और आपके बड़े क्या करते हैं? दिल्ली में काम करते, साइड वो अलग है। अच्छा, अलग है। स्कूल जाते हो? पढ़ाई नहीं करते? कब से? कभी गए ही नहीं स्कूल। तपती गर्मी में दुकानदारी कैसे होती है तुम्हारी? वही होती है, 500-600 बस। ये बच्चे ने हमें बताया कि इन किन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दिन में इतनी तपती धूप में इतना छोटा बच्चा आइसक्रीम बेच रहा है और 500-600 रुपए ये पूरे दिन में कमाता है और घर ले जाता है। करते करते हम आ गए हैं एक खेत के अंदर। चलिए, इतनी तेज धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी है और कुछ महिलाएं यहाँ पर खेत में काम करती हुई नजर आ रही हैं। बात करेंगे, जानेंगे इनसे क्या हाल है और पूछेंगे, ये अम्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, जाते हैं हम। चलिए, ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ अम्मा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि किन किन परेशानियों का अम्मा को सामना करना पड़ रहा है इस तपती गर्मी को लेकर। अम्मा, क्या नाम है आपका? जसमंते। अम्मा इधर इधर बात करो ना, मेरे सामने देखकर बात करो ना। हाँ। क्या नाम है आपका? जसमंती। जसमंती। हाँ। अम्मा, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा है? इतनी तेज धूप पड़ रही है, आप यहाँ काम कर रही हैं। अब बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है काम? हाँ भैया, काम कर रहा है। अम्मा इतनी तपती गर्मी में आप यहाँ काम कर रही हैं, इतनी धूप पड़ रही है, कब से काम कर रही हैं आप, कब से यहाँ पर हैं? हम तो करते ही रहे मैं किसानों का काम। तो किस टाइम आती हैं आप यहाँ? आ जाओ दोपहर को। और जाती किस टाइम है यहाँ से? सांझ को जाऊंगा, 6 बजे शाम को। हाँ। तो
क्या तोड़ रही हैं आप यहाँ? ये किस चीज का खेत है? सेम का। सेम का? रमास का। रमास का, लोहिया। चलिए अम्मा ने हमें बताया कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें तो यहाँ काम करना ही है, हमें तो खेत में आना ही है। चलिए इसी कैमरामैन सुभान के साथ मैं हिना अहमद, भारत रफ्तार न्यूज, बुलंदशहर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।